वाइज मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप सभी एग्जाम में जाने से पहले जरूर कर लेना, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर अभी आप पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। आप सभी के पास अभी भी अंतिम मौका है कि आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। फीस ओनली 29 रुपीज़ है। आप सभी को इस नंबर पर सिंपली कॉल करना है और आप सभी को ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से ब्रांचेज के लिए है तो मैं आप सभी को बता दूं कि इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिकल हो गया और सिविल, इन तीन ब्रांचेज के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। तो इन तीनों ब्रांचेज के पास एडवांटेज है कि आप सभी आराम से नोट्स को परचेज करके अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अप्लाइड मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में तो नंबर वन पे है इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी के एग्जाम में इस बार भी पूछे जाने की उम्मीदें हैं। देखिए कहीं से मैंने एक्स्ट्रा ऐसे नहीं लिया है क्वेश्चन को, अपने हिसाब से एनालाइज करके कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है उस तरीके से मैंने अपनी कॉपी में लिख करके सिंपली आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो कैसा लगेगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स लॉग एक्स। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स और एक्स लॉग एक्स। तो तीनों की प्रैक्टिस कर लेना, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। एक्स लॉग एक्स थोड़ा सा आपका अभी को हार्ड पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने एक्स लॉग एक्स का बता दिया है और चांसेज हैं कि एक्स लॉग एक्स पूछ लिया भी जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 10x अपॉन 2 + 10x dx। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 की पावर क्यूब dx। मैं आप सभी को बता दूं कि पिछला अगर आप सभी पेपर देखेंगे, जो पेपर हम सब ने दिया है, ठीक है, उस पेपर में ऐसा हुआ है, जो पेपर हमने दिया है उसके पहले का जो पेपर है, ठीक है, मतलब जो पेपर हुआ है इसके पहले हमने दिया है पेपर, वहाँ से लेकर प्रीवियस ईयर तक, देखिए जो आप सभी का ये है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। एक ऐसा पार्ट था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, फिर अगला ऐसा पार्ट था जिसमें 2 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन से पूछे गए हैं, ठीक है। और स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन में देखेंगे आप सभी तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर 1/2 dx। और क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि स्पेशल इंटीग्रेशन के अंतर्गत ही आता है, तो अंडर रूट एक्स अंडर रूट एन 9 - x² अपॉन 9 + x². इसमें एक तरीके का एरर क्वेश्चन बनता है, 9 के जगह पे a कर देता है, नीचे 9 के जगह पर a कर देता है। तो इसकी भी आराम से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, चाहे 9 रखो चाहे a, ठीक है, चीज़ें सेम होने वाली हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, आप सभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए हैं, 0 to π एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, फिर 0 to π/2 लॉग 1 + cos x dx, फिर 0 to ∞ एक्स अपॉन 1 + x अपॉन ब्रैकेट में 1 + x² dx। तो इन तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना जाने से पहले, ठीक है। और फिर एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि वृत्त x² + y² = a² का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब ये जो क्वेश्चन है अब इसकी जगह पर ऐसे भी आता है x² + y² यहाँ पर 16 दे देता है, तो 16 का मतलब है a² है तो उसे हम 4 का² लिख सकते हैं, ठीक है, तो इतना डिजिट चेंज करता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसका भी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी एक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये एक दीर्घवृत्त वाला भी आता है बार बार, ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लेना, दीर्घवृत्त x² + a² + y² + b² = 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है बक्रो y² = 4x और x² = 4ay के बीच का क्षेत्रफल, काफ़ी ईजी क्वेश्चन रहने वाला है और इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इन 13, 14 और 15 और 16, ठीक है, इन चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि समाकलन विधि से गोले का आयतन, समाकलन विधि से बेलन का आयतन, ठीक है, उसके बाद आता है बेलन का आयतन हो गया, गोले का आयतन हो गया, और तीसरा है दीर्घवृत्त x² + a² + y² + b² = 1 के उसके दीर्घ अक्ष पर घूमने वाले ठोस का आयतन, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन में, ठीक है,
और अगर आप बेलन का आयतन तैयार कर ले रहे हैं और इसके साथ साथ ही अगर आप गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन भी तैयार कर लेना। तो इन चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है, ये आपके सिलेबस में है और डेफिनेटली पूछा गया है और पूछा जाएगा। कोई भी आप पेपर पैटर्न उठा लेना, उसमें आपको चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी क्यों 5 नंबर गवाओगे, ठीक है, आप सभी तैयार कर लेना। अब मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे। तीनों क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फालसी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, यानी तीनों क्वेश्चन 3 अलग होंगे, ठीक है, और पूरे 5-5 नंबर में होंगे। तो 10 नंबर इन तीनों टॉपिक से आते हैं, बहुत इजी है। तो आप सभी 10 नंबर यहाँ और एक शंकु वाला, बेलन वाला और आप सभी का जो मैंने आप सभी को बताया चारों क्वेश्चन, उसमें से तो आप सभी का 15 नंबर यहाँ से हो गया। और आप सभी का उधर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो 20 नंबर मैंने आप सभी को यहीं से बता दिया है कि ये डेफिनेटली आप सभी के एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, तो क्यों ना इसकी प्रैक्टिस हम कर ले। और एक आप सभी का डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को इंपॉर्टेंट बताए हैं, उनमें से भी आ सकता है और उनमें से नहीं आता है तो उसी टाइप का कोई और क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसकी प्रैक्टिस आप सभी करना, तो ऐसे करना कि और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को आप सभी रट लो, ठीक है। इसके कंसेप्ट को समझ लोगे तो आप सभी दूसरे भी क्वेश्चन के ऊपर फाइट करोगे, और अगर कुछ हद तक क्वेश्चन को कर पाओगे तब भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, ठीक है। ये x² + y² - 4x + 2y + 1 = 0 की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदुओं 3, 14, -1 और आप सभी का यहाँ पर हो गया है 11, 5, ठीक है, से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कोई रेखा अच्छों से कोण क्रम से अल्फा बीटा और गामा बनाती है तो प्रूफ करिए क्या, sin² α + sin² β + sin² γ, ठीक है, 3 बार यह पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इस चीज़ को अपने सामने रख दिया है, ठीक है। इस तरीके का 2 नंबर में पूछा जाता है, एक रेखा के दिक अनुपात ये है तो उसकी दिक को ज्ञात करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, दो समतलों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3x - 6y + 2z = 7 और 2x + 2y - 2z = 5 के बीच का कोण ज्ञात करिए, ठीक है। जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, आता है तो सीधा 5 नंबर में आता है और अच्छा काम हो जाता है, ठीक है। बिंदुओं 1, 1, 1, -1, 2 और 2, -2, 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करिए, ये भी 5 नंबर का लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी इजी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 सर्रेख का आपने किया होगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी, कि सिद्ध करिए a (-1, -2, -3), b (1, 1, 1), c (-3, -5, -7) संरेख है, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 2 से गुजरता है तथा सरल रेखा x + 1/2 = y + 3/2 = z - 1 के समांतर है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जा रहे हैं इस समय, लेकिन अगर पूछे जाते हैं तो पूरे 5 मार्क्स में, ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको बता दिया है। अब 27 है, 28 है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। x - 1/2, y - 2/-1, z - 4, x + 3/2, ये एक समीकरण हो गया, ठीक है, एक रेखा हो गई, x + 3 = 0, y - 4/3, z - 2/-1 के मध्य का कोण ज्ञात करिए, ठीक है, एंगल ज्ञात करना है। रेखाओं x - 6/1 = y - 2/-2 = z - 2/2 तथा x + 4/3 = y - 2 = z + 1 - 2 के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। तो कुछ इतने क्वेश्चन थे जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैंने आप सभी को हैंड रिटन सारी चीज़ें दिखा दी है, मेहनत करके बनाया है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाकी और भी कोई सहायता चाहिए तो चैनल से बने रहिए, आप सभी को सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।